इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द डिफेक्ट्स इन द सॉलिड. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ NaCl इज डोप्ड विद 10^-3 मोल परसेंट SrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन वैकेंसी. दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. सो इन केस ऑफ इंप्योरिटी डिफेक्ट्स वी हैव स्टडीड दैट इंप्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स we have found that 1 sr2 positive ion can replace 2 na positive ions from crystal lattice. so ek strontium ion ke liye 2 Na पॉजिटिव आयन्स रिप्लेस हो जाएंगे, तो उस वजह से दो कैटायन वैकेंसीज बनेगी. बट एक कैटायन वैकेंसी को कौन ऑक्यूपाई करेगा? खुद स्ट्रॉन्शियम आयन. सो कैटायन वैकेंसी सिर्फ एक ही बची. एंड फॉर वन स्ट्रॉन्शियम आयन ओनली वन कैटायन वैकेंसी इज फॉर्म्ड. And what is the reason? Because one of the cation vacancy is occupied by Sr2 positive ions. So one thing is clear, the number of Sr2 positive ions is equal to the number of cation vacancies. Therefore, number of SR2 positive ions is equal to the number of cation vacancies. So in this case now we have to just find out how many SR2 positive ions are present in 10^-3 mole percent SrCl2. अगर यहाँ से हमें कितने SR2 positive ions present हैं 10^-3 mole percent में, उतनी ही cation vacancies बनेंगे. तो हमारा अब नेक्स्ट काम यही है, वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ SR2 पॉजिटिव आयंस. एंड व्हाट वी आर गिवन 10^-3 मोल परसेंट, मींस 100 मोल्स ऑफ NaCl. सो 10^-3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2 मींस 100 मोल्स of NaCl are doped with 10^-3 mole of SrCl2. Okay, therefore 1 mole of NaCl will be doped with equal to how much? 10^-3 over 100 is equal to 10^-5 moles of SrCl2. Okay, so हमारे पास अब amount पता चल गया है. एक mole NaCl के लिए हमारे पास कितने SrCl2 होंगे? 10^-5 moles. And also अगर हम ये check करें SrCl2 की अगर आयोनाइजेशन चेक करें तो ये कैसे टूटेगा? इट विल गिव यू SR2 पॉजिटिव आयंस प्लस 2 Cl नेगेटिव आयंस. मींस द कंसंट्रेशन ऑफ SR2 पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ SrCl2 पॉजिटिव, बिकॉज एक SrCl2 का मोल, एक मोल जो है वो एक ही मोल क्या बना रहा है? SR2 पॉजिटिव आयंस का बना रहा है. तो ऑब्वियसली हमारे पास SrCl2 के कितने मोल्स हैं? 10^-5 मोल्स हैं SrCl2 के. तो SR2 पॉजिटिव आयंस के कितने मोल्स होंगे? 10^-5 मोल्स ही होंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SR2 पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू 10^-5 मोल. ओके, और आपको ऊपर ही बताया जितने SR2 पॉजिटिव के आयंस होंगे उतने ही क्या बनेंगे? कैटायन वैकेंसीज. तो यही नंबर किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 10^-5 मोल
कैटायन वैकेंसीज, और इन्हीं कैटायन वैकेंसीज को मोल की फॉर्म से हटा के अगर हमें चेक करना हो एक्चुअल में नंबर के फॉर्म में, तो हम एवोड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 10 एस पा माइनस 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 एस पा 23. सो द वैल्यू विल बी 6.022 इंटू 10 एस पा 18 कैटायन वैकेंसीज. सो इतनी कैटायन वैकेंसीज हमारे पास बनेगी इन केस ऑफ अगर NaCl को डोप किया जाता है किससे, 10 एस पा माइनस 3 मोल परसेंट SrCl2 से. सो दिस इज द नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया है कि फॉर वन SR2 पॉजिटिव आयन दो Na पॉजिटिव आयन की रिप्लेसमेंट होगी, दो कैटायन वैकेंसीज बनेगी, उनमें से एक कैटायन वैकेंसी को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, SR2 पॉजिटिव आयन, तो एक ही कैटायन वैकेंसी बची. मीन्स फॉर वन SR2 पॉजिटिव आयन देर इज फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन कैटायन वैकेंसी. तो ऑब्वियस बात है जितने नंबर ऑफ SR2 पॉजिटिव आयन होंगे उतने क्या बनेंगे, कैटायन वैकेंसीज होंगे. ओके, अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें कितनी परसेंटेज क्या रखी है, इट इज 10 पावर माइनस 3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2, मींस 100 मोल, परसेंटेज का मतलब है 100. सो 100 मोल्स ऑफ NaCl आर डोप्ड विद 10 पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ SrCl2. तो एक मोल की डोपिंग के लिए कितने हमारे पास SR2 पॉजिटिव SrCl2 आएंगे, हमने कैलकुलेट कर लिया 10 पावर माइनस 3 ओवर 100. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ SR2 पॉजिटिव आयंस. अब जब SrCl2 आयोनाइज होता है, एक मोल SrCl2 एक मोल SR2 पॉजिटिव आयन ही बनाता है. मींस जितने मोल SrCl2 के हैं उतने मोल किसके होंगे, SR2 पॉजिटिव आयंस के होंगे. तो SrCl2 के कितने मोल्स आए, 10 एस पा माइनस 5 मोल्स आए. ओके, तो इतने ही क्या बनेंगे, SR2 पॉजिटिव आयंस बनेंगे. जितने SR2 पॉजिटिव आयंस बनेंगे उतनी ही कैटायन वैकेंसीज होंगे. तो ऑब्वियस बात है कैटायन वैकेंसीज का नंबर होगा 10 एस पा माइनस 5. तो इसको जब हम नंबर के फॉर्म में चेंज कर देंगे सो वी विल गेट 6.022 इंटू 10 पावर 18 कैटायन वैकेंसीज. ये हमारे पास कैटायन वैकेंसीज बनेंगी इन दिस केस. सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे हैं. द सेकंड न्यूमेरिकल इज दिस इज रिलेटेड टू मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट्स. मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स बिकॉज आप यहां देख सकते हो FeO का फॉर्मूला बेसिकली तो होता है FeO, मतलब फॉर वन Fe2 पॉजिटिव आयन वन ओ ऑक्साइड होना जरूरी है, बट यहाँ पे कितने हैं Fe 0.93. सो कैटायंस का नंबर कम है, मींस दे आर शोइंग मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स. वन मोर थिंग विच वी हैव स्टडीड वो ये थी कि जितने भी हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे उन सभी में एक चीज कॉमन थी, सभी में वी वर मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. हम ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे थे और वो होती है, यहाँ पे भी हो रही है, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव आयन कुछ जो है किसमें चेंज हो जाएंगे, Fe3 पॉजिटिव आयन में, क्योंकि कैटायन कम है तो चार्ज पॉजिटिव कम हो जाएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को एडजस्ट करने के लिए कुछ Fe2 पॉजिटिव आयन Fe3 पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएंगे. तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे टॉपिक यही है कि कितने Fe2 पॉजिटिव आयन है, कितने Fe3 पॉजिटिव आयन होंगे अगर FeO का फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं Fe0.93 O1.00. तो पहले क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम द नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस, ये एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स. एक्स हमने ही मान लिया, देयरफॉर द नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस ये कितना होगा. अब टोटल Fe कितना है, 0.93. इनमें से कुछ क्या है, 2 पॉजिटिव है, कुछ 3 पॉजिटिव है. तो 2 पॉजिटिव हमने x मान लिया, तो 3 पॉजिटिव कितना होगा, ऑब्वियसली इट विल बी 0.93 माइनस x. ये नंबर आ जाएगा हमारे पास Fe3 पॉजिटिव आयंस का. ओके, 2 पॉजिटिव अगर x है तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे Fe3 पॉजिटिव आयंस होंगे. ओके, यहां से ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा उसको हम चेक करेंगे. पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, एक्स आयंस कितने हैं, 2 पॉजिटिव के, तो एक्स इंटू 2. ओके, प्लस 3 पॉजिटिव आयंस जो है, 3 चार्ज है और ऐसे आयंस हैं कितने, 0.93 माइनस एक्स. ये तो हुआ टोटल पॉजिटिव चार्ज. फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स नंबर ऑफ आयंस थे 2 पॉजिटिव चार्ज के, मींस तो टोटल 2 पॉजिटिव, अगर मान लो ये 10 होते तो 2 पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाता है, 10 इंटू 2 20, तो
तो वही यहाँ पे लिखा हो, टू इंटू एक्स, टोटल पॉजिटिव चार्ज थ्री पॉजिटिव आयंस का कितना आएगा, जो जितने थ्री पॉजिटिव आयंस इंटू थ्री, वो यहाँ पे कर दिए। ओके, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज किसके बराबर आएगा, जितना ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है, ऑक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, टू। ओके, इसको अगर हमने सॉल्व करना ऊपर वाले को तो क्या लिख देंगे, टू एक्स प्लस, सो वी हैव 0.93 इंटू थ्री, दिस इज 2.79, और माइनस 3x, ये सॉल्व करके कितना बच जाएगा, एक 2x है, एक माइनस 3x है, और एक 2.79 है, तो वी आर हैविंग, तो ये आ जाएगा 2.79 माइनस एक्स। ओके, 2x माइनस 3x माइनस x बचा हमारे, दिस इज टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 है। ओके, फॉर ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होना चाहिए, नेट पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू नेट नेगेटिव चार्ज। तो नेट पॉजिटिव चार्ज कितना आया, 2.79 माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2, ये नेगेटिव चार्ज आ गई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां से x दूसरी तरफ ले जाएं, 2 इस तरफ ले आएं, तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 2.79 माइनस 2, सो दिस इज 0.79, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, सो 0.93 में से x कितना है, 0.79, सो वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रॉम हियर, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू हाउ मच, 0.79 ओवर 0.93 इंटू 100, 85%। तो ऑब्वियस ही बात है, परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 85 इज इक्वल टू 15%। सो अप्रॉक्सीमेटली 15% Fe2 पॉजिटिव आयंस किस में चेंज हो चुके हैं, Fe3 पॉजिटिव आयंस में। दिस वॉज द सेकेंड न्यूमेरिकल। सो हमें करना क्या है, हमें पहले एज्यूम कर लेना है एक आयन का नंबर, दूसरे आयन का नंबर भी वहाँ से निकल आएगा, फिर हम टोटल पॉजिटिव चार्ज चेक कर लेंगे, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑक्साइड के चार्ज के बराबर ही आएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहाँ से एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, दैट न्यूमेरिकल इज सिमिलर टू दिस वन, इसमें भी क्या है, निकल ऑक्साइड का है कंपाउंड जिसमें डिफेक्ट्स हैं, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स, तो इस केस में भी हमारे पास निकल का अमाउंट रेशियो के हिसाब से नहीं आ रहा है, और इसमें हमें चेक करने हैं कि कितने निकल टू पॉजिटिव आयंस, निकल थ्री पॉजिटिव आयंस में चेंज हो चुके हैं। सो रिपीटिंग द सेम प्रोसेस इन केस ऑफ आंसर, वी विल राइट लेट द अमाउंट ऑफ निकल टू पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू एक्स, सिमिलरली द अमाउंट ऑफ निकल थ्री पॉजिटिव आयंस दिस विल बी इक्वल टू 0.98 माइनस एक्स, सो नेट पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू 2x, क्योंकि यहाँ पे निकल टू पॉजिटिव आयन के ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज है और इसका अमाउंट x है, तो 2x हो गया, प्लस 3 इंटू इनका अमाउंट कितना है, 0.98 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2.94 माइनस 3x, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट 2.94 माइनस एक्स, और नेट नेगेटिव चार्ज विल बी 2। सो फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, नेट पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू नेट नेगेटिव चार्ज, सो व्हाट वी कैन हैव, नाउ वी कैन हैव 2.94 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट एक्स इज इक्वल टू 2.94 माइनस 2, सो इट इज 0.94, सो वी कैन नाउ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ निकल टू पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू 0.94, परसेंटेज ऑफ निकल टू पॉजिटिव आयंस टोटल कितने थे, 0.9
98 इंटू 100, ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 96%। देयरफोर परसेंटेज ऑफ Ni3 पॉजिटिव आयंस दिस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 96 इज इक्वल टू 4%। सो जो टोटल Ni2 पॉजिटिव आयंस थे उनमें से 4% Ni2 पॉजिटिव आयन किस में चेंज हो चुके हैं, Ni3 पॉजिटिव आयंस में चेंज हो चुके हैं। द क्वेश्चन इज ए कंपाउंड HCP अरेंजमेंट शो कर रहा है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं वो हमें चेक करने हैं 0.5 मोल में कितने हैं और उनमें से कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन HCP अरेंजमेंट कितने दे रखे हैं, 0.5 मोल। सो 0.5 मोल्स का मतलब क्या हुआ, 0.5 इंटू हैव गुड नंबर इंटू 10^23। तो ऑन सॉल्विंग दिस इज 3.011 इंटू 10^23, इतने हमारे पास एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। और आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर्स जिनके लिए हमने स्फीयर्स मेंशन किया है वर्ड पहले इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू इंटू नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हम चेक कर चुके हैं, मतलब ये डबल आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर 2n आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर n आएगा अगर n नंबर ऑफ स्फीयर्स हो तो। सो इफ हैव n नंबर ऑफ स्फीयर्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे। तो यहाँ से क्लियरली हमारे पास अब कितने स्फीयर्स हैं, कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं 0.5 मोल में, तो जितने एटम्स हैं उतने ही क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू 3.011 इंटू 10^23 एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये कितने हो गए 2n, जितने स्फीयर्स उनका डबल, सो 2 इंटू 3.011 इंटू 10^23, सो इट इज 6.022 इंटू 10^23। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितने, वो आंसर आ गया हमारे पास, आपसे पूछा था हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हम टोटल चेक कर लें तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इंक्लूडिंग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल कितने 3.011 इंटू 10^23 प्लस टेट्राहेड्रल कितने हैं 6.022 इंटू 10^23। सो टोटल सम क्या आ जाएगा, 10^23 कॉमन आ जाएगा और बाकी फैक्टर्स हम जोड़ देते हैं, तो इट इज 9.033 इंटू 10^23 वॉइड्स। सो दिस इज द नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स, ये टोटल वॉइड्स हैं, इनमें से ये जो हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और ये जो हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। सो दिस वॉज द केस।